सन प्रभा समाचार नीतीश शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास। भाजपा से बागी वेव विभूति तिवारी निषाद पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। भदोही जिले में शुक्रवार को भाजपा ने ज्यों ही अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की, जिले भर में भाजपा के लिए टिकट की दावेदारी ठोकने वाले नेताओं में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। कुछ लोग तो दबी जुबान से भाजपा का समर्थन करने की बात करने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी दिखे जो टिकट न मिलने से भाजपा से बागी होकर भाजपा का गणित बिगाड़ने में जुट गए। कुछ लोग निर्दल तो कुछ लोग अन्य किसी दल से चुनाव लड़ने की घोषणा करने लगे। एक ऐसा ही नजारा वार्ड संख्या 20 में देखने को मिला, जहां भाजपा के टिकट ना मिलने पर विभूति तिवारी ने निषाद पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। विभूति तिवारी ने कहा कि पिछले जिला पंचायत चुनाव में जब बाहुबल का प्रभाव था तो भाजपा ने मुझे बकरी की तरह इस वार्ड में प्रत्याशी बनाया और मैंने बिना डरे चुनाव लड़ा, जबकि उस समय मुझे काफी लालच और प्रलोभन दिया गया और धमकी भी मिली, लेकिन मैंने बिना डरे भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ा। लेकिन आज जब सही समय आया तो भाजपा ने मुझे दरकिनार कर दिया और मुझे टिकट नहीं दिया। विभूति ने कहा कि ये सब भाजपा के कुछ नेताओं के इशारे पे हुआ है, हालांकि क्षेत्र की जनता मेरे बारे में जानती है और मैं लोगों के दिल में रहता हूँ। इस चुनाव में मैं निषाद पार्टी के बैनर तले जीत दर्ज करूंगा। उन्होंने कहा कि धनबल की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। विभूति ने कहा कि मैं बूथ स्तर से कार्य करते हुए जिला स्तर तक के कार्य को मैंने किया है और भाजपा के जिलाध्यक्ष बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भगवान कहते हैं, लेकिन इस कार्यकर्ता के साथ गलत हो गया और चुनाव परिणाम के बाद वास्तविकता का पता चल जाएगा। मालूम हो कि विभूति तिवारी राजनीति में आने से पहले एक विद्यालय चलाते थे और 5 वर्ष पहले भाजपा में जिला पंचायत चुनाव के समय सक्रिय हुए थे और काफी चर्चा में रहे थे। विभूति तिवारी ज्ञानपुर के मंडल संयोजक भाजपा द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जिला संयोजक, वृक्षारोपण प्रभारी, मतदाता पुनरीक्षण प्रभारी और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष समेत कई जिम्मेदारी का वहन कर चुके हैं। भाजपा से बागी हुए विभूति तिवारी निषाद पार्टी को कितना मजबूत बना पाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन विभूति तिवारी का निषाद पार्टी में आने से क्षेत्र में चुनावी समीकरण में बदलाव जरूर दिखेगा। बाहुबलियों का आतंक चलता था, पार्टी ने मेरा यूज किया और पार्टी की तरफ से यूज भी हुआ। धन बल, जन बल और बाहुबल से परास्त नहीं हुआ। लोगों ने मुझे पसंद किया कि नहीं पसंद किया, ये लोगों की बात है, मैं खड़ा रहा। आज जब सही समय आया तो पार्टी ने उसे दूध में मक्खी तरह निकाल के फेंक दिया, लेकिन जनता के दिलों में आज भी हूं। जनता जवाब देगी इसका। और कल मैंने निषाद पार्टी ज्वाइन की और मैं पार्टी के साथ पूरी वफादारी से रहूंगा और पार्टी को ये सीट जीत के दूंगा। जाए कि क्या विभूति बागी हुए कि भाजपा से टिकट नहीं मिला, इसलिए केवल विभूति बागी हुए कि केवल भाजपा से उनका कुछ श्रद्धा भी रही उनकी भाजपा के लिए? मैं पार्टी के ऊपर सदैव निष्ठावान रहा हूं, लेकिन अगर बूथ से सेक्टर तक हमारे जिलाध्यक्ष कहा करते थे कि बूथ अध्यक्ष मेरा भगवान है, अगर बूथ से सेक्टर तक मैं न रहा हूं और मेरा टिकट काट दिया गया होता तो मुझे कुछ भी ग्लानि न होती। लेकिन एक एक कार्यकर्ता ने मेरी सिफारिश की थी, फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला तो बूथ कैसे भगवान हो गया? बूथ अध्यक्षों के साथ धोखा हुआ। बूथ अध्यक्ष इस चुनाव में बता देंगे जिलाध्यक्ष जी को कि बूथ अध्यक्ष वास्तव में भगवान होता है, आपकी लिखी हुई मिटा सकता है। तो आखिर इसको क्या माना जाए, क्या कहीं इसमें गलत किया गया भाजपा की तरफ से आपके लिए? भाजपा के साथ नहीं, कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा मेरे साथ गलत हुआ है, सभी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं परिवार से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया हूं, मैं परिवार के साथ हूं, बगल के कमरे में रहने लगा हूं बस। तो क्या कहा जाए कि वार्ड नंबर 20 निषाद पार्टी निकालेगी या भाजपा? जाहिर सी बात है निषाद पार्टी निकालेगी। तो क्या आपने भाजपा का जो है आपका त्याग पत्र सौंप दिया या आपका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया? मेरा त्याग पत्र, मेरा ज्वाइनिंग है, मेरा त्याग पत्र है। नहीं, इसके बारे में आपने भाजपा के पदाधिकारियों से सूचित किया, बताया कि मैं आपकी पार्टी छोड़ रहा हूँ? आपके माध्यम से लोग जान ही जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश यही देना चाहते हैं
कि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अगर गलत लोगों का चुनाव होता है तो उसके पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमें उसका मुखर विरोध करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष जानते हैं कि उनको क्या करना है। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।